व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से न्यूज़पेपर डेली भेजा जाता है, ठीक है। दो न्यूज़पेपर आपको भेजे जाते हैं, द हिंदू और राष्ट्रीय संस्करण, है ना। राष्ट्रीय संस्करण भी अपने आप में काफ़ी विशेष न्यूज़पेपर है। जो लोग इंग्लिश में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं या द हिंदू पढ़ने में बहुत समय लगता है, तो राष्ट्रीय संस्करण से वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। दैनिक जागरण का लोकल संस्करण नहीं चाहिए, राष्ट्रीय संस्करण ही चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी क्लासेस जब होंगी, ठीक है, उस दिन क्लास के प्रारंभ में मैं आपको राष्ट्रीय संस्करण के जो महत्वपूर्ण जितने भी पक्ष हैं, है ना, कि आज के न्यूज़पेपर में ये इम्पोर्टेंट है, आज के न्यूज़पेपर में ये इम्पोर्टेंट है। द हिंदू के लिए तो आपको ग्रुप में भेज दिया जाता है कि किस डेट का कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, तो वो ग्रुप में आपको मिल जाता है। यदि आपने देखा कि द हिंदू में डेट होती है 7 दिनों का पूरा आपको न्यूज़पेपर की क्लिप भेजी जाती है। मैं चाह रहा हूँ राष्ट्रीय संस्करण में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो आप यदि न्यूज़पेपर लेकर आ पाएँ राष्ट्रीय संस्करण डेली अवेलेबल है यहाँ पर तो आसानी से, तो यदि राष्ट्रीय संस्करण सबके पास हो तो और अच्छा है। तो मैं पर डे जो है उसके टॉपिक इम्पॉर्टेंट हर पेज के, तो कुछ दिन ये प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको खुद प्रैक्टिस पड़ जाएगी कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आज ही से शुरुआत करते हैं। यदि मोबाइल आपके पास हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को देख लें, वहाँ पर आपके पास न्यूज़पेपर होगा, ठीक है। यदि नहीं है तो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ आज का, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण मुझे दिखा दो। मेरे पास है न्यूज़पेपर, देखिए राष्ट्रीय संस्करण लेने का सबसे पहले पहचान है यहाँ पर ऊपर लिखा होगा, ठीक है। नेशनल एडिशन ही लेना है, लोकल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण नहीं पढ़ना, बहुत कम पन्ने होते हैं, 14 पन्नों में बहुत विशेष बातें इसमें लिखी होती हैं। अदर आप न्यूज़पेपर देखेंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेली मैं 15 मिनट में आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एक फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक वो बस टॉपिक बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन बाद में होगा करंट अफेयर की क्लासेस क्योंकि हम करेंगे। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है इसके बारे में भी 5 मिनट अभी लूंगा, थोड़ा बताऊंगा कैसे करना है। इसके बाद डेली मैं टिक लगवाऊंगा आर्टिकल्स में, वो आर्टिकल्स आपको अपने पास कट करके रखना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की थोड़ा सा 5 मिनट में बात कर लेते हैं। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि दिन में किसी भी टाइम जब आपके पास समय हो आप 15 मिनट के लिए बैठें और न्यूज़पेपर को कैटेगरीफाइज कर लें, है ना, अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे कि क्या चीज़ें इस पे आएंगी क्या चीज़ें नहीं आएंगी, जो आपने अभी तक समझा है यूपीएससी को, ठीक है, कि यूपीएससी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकती है ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, ये समझा कैसे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा सिलेबस को देखा, उन दोनों के आधार पर ही आपने समझा कि न्यूज़पेपर का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये चीज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर को ज़्यादा समय ना दें, इसलिए आपको न्यूज़पेपर को कैटेगरीफाइज कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैं इस न्यूज़पेपर को यदि पढ़ूं तो मैंने इसको टिक किया, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखूंगा भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित ये प्रश्न, ये एक न्यूज़ है, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था में न्यायपालिका से संबंधित न्यूज़ है, मैं इतनी कैटेगरी इसकी डाल दूंगा, इंडियन पॉलिटी और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने और देखे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में टॉपिक है या नहीं, जैसे कि एक यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला हुआ था, है ना, उससे संबंधित ये सीबीआई की कुछ रिपोर्ट है, तो क्यों ना इस रिपोर्ट को भी हम टिक मार्क करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसको हम इथिक्स में जोड़ सकते हो, है ना, या फिर करप्शन से संबंधित कोई रिलेशन में जोड़ सकते हो, या एक ये मुद्दा है जो कि इंटरव्यू में भी हमसे पूछा जा सकता है, तो क्यों ना हम इसको जाने, तो इसको भी मैंने टिक मार्क कर दिया और इसको डाल दिया भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज और है, संसद विधायकों को भी करनी पड़ेगी माता पिता की सेवा, भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी से संबंधित ये समस्या है। हमारे यहाँ जो माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, है ना, वृद्ध हो जाते हैं, तो एक ये बिल लाया गया है, ये बिल लाया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि जो माता पिता जिसके बुजुर्ग हो जाएंगे, जो लोक सेवक होंगे पब्लिक सर्विस में होंगे, उनकी सैलरी से कुछ ऐसा काट करके उनको देना होगा, तो उससे संबंधित एक यहाँ पे न्यूज़ दी गई है, तो मैं इसको भी टिक करूँगा और यहाँ पर डालूंगा भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी संबंधित ये बिल है, ठीक है। वृद्धावस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो ये पहल को आप डाल सकते हैं, ठीक है। बस इस पेज में मैं इसके अतिरिक्त कोई न्यूज़ पढ़ने वाला नहीं,
आगे बढ़ गया, ये तीनों को टिक करके इनकी कैटेगरी लिख के, ये देखिए सिटी न्यूज ऊपर ही लिखा हुआ है। सिटी न्यूज का मतलब दिल्ली का राष्ट्रीय संस्करण है, तो ज्यादातर चीजें दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली से होनी चाहिए, है ना। एक बार बड़ी नजर से आप देख लीजिए कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ी कोई पहल ना की गई हो, बाकी से छोड़ देते हैं। इस न्यूज़पेपर में कुछ खास नहीं है, इस पेज पे, पेज तीन में आइए, राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये न्यूज आई हुई है, अरुणाचल सीमा पर चीन से हुआ विवाद सुलझा, है ना। तो इस तरीके से मैं हर एक पेज की एक न्यूज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें पूरे न्यूज पेपर को कैटेगरीफाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद जब एक बार कैटेगरीफाइज हो जाए, संडे का टाइम निकालिए, संडे के टाइम में 4 घंटे बैठिए और न्यूज पेपर पढ़िए। जैसे कि आज 1 तारीख है, संडे 7वीं तारीख को मानिए पढ़े, और 1 तारीख को सोमवार है तो 7वीं तारीख को संडे पड़ेगा, है ना। तो 7वीं तारीख को आप पूरे न्यूज़पेपर उठाइए और 7वीं तारीख का पहले न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक है। पहले 7वीं तारीख का लीजिए, फिर 6 तारीख का पढ़ना है, फिर 5 का पढ़ना है, फिर 4 का पढ़ना है, फिर 3 का पढ़ना है, फिर 2 का पढ़ना है, फिर 1 का पढ़ना है। तो 7वीं तारीख का जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी घटनाओं का कंक्लूजन 7 तारीख को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए ये अभी ये न्यूज आई है, समलैंगिक संबंध अपराध माने जाए या नहीं फैसला करेगी संविधान पीठ, ठीक है। ये एक अभी ये फैसला हुआ नहीं है, ये करेगी, ये भविष्य के गर्त में है, है ना। हो सकता है 7वें दिन तक ये मामला में कुछ नई रिपोर्ट आ जाए, कुछ नई कंक्लूजन आ जाए, निष्कर्ष आ जाए, तो आप 7वें दिन पूरा कुछ पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए ज्यादा महत्व तो नहीं रखेगी। इस पेज में आने में आपको भी बहुत टाइम है। तो 7वीं तारीख को जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश यात्रा होती है, कोई राजनयिक पहल होती है किसी अन्य कंट्री के साथ, तो यदि आज हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कहीं गए हैं, है ना, तो दूसरे दिन पहुंचेंगे, तीसरे दिन वार्तालाप होंगी, चौथे दिन MOU है वो साइन होंगे, जाकर 5वें 6वें दिन अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आएंगे और कंक्लूजन निष्कर्ष आएगा उसका। तो क्यों ना हम 7वें दिन की ही रिपोर्ट से वो सारा कंक्लूजन निकाल लें, हमारे लिए बाकी की न्यूज जिस दिन गए हैं उस दिन की न्यूज को पढ़ने का क्या फायदा। तो आपको डेली यानी कि मंडे से शुरू कीजिए, मंडे से आपको न्यूज को कैटेगरीफाइज करना है, ठीक है। प्रत्येक न्यूज, चाहे द हिंदू में भी यही काम करना है, द हिंदू में आप ये काम करें, यदि व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से द हिंदू में आर्टिकल भेज दिए जाएंगे, आपको जो जो चीजें भेजी जाए। बहुत सारे द हिंदू के दिन ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है नो, है ना, कि उसमें कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, नो न्यूज इंपॉर्टेंट। जब इसमें कैटेगरी करवाते समय मैं भी बताऊंगा कि किसी किसी दिन का तो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सैटरडे वाला दिन, सैटरडे वाले दिन वीकेंड होता है ना, सरकारी कामकाज बहुत कम होते हैं उस दिन, या संडे वाला दिन तो ऑफिशियल छुट्टी होती है, उस दिन भी बहुत कम होते हैं। सैटरडे संडे का न्यूज, इसीलिए मैंने संडे का दिन रखा है, क्योंकि संडे का जो न्यूज पेपर खुद का होगा उस दिन कोई बहुत विशेष खबर नहीं होगी, मेन होती है यही मंडे टू लेकर फ्राइडे तक की खबरें काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमको जो है न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से पढ़ना है। संडे भर को आप टाइम दीजिए, डेली 15 मिनट दीजिए, सोमवार से शुरुआत कीजिए, सोमवार से लेकर के संडे तक का पूरा एक फाइल अप अपने पास रखिए। आप संडे वाले दिन जिस दिन बैठे हैं तो जो जो आपने टिक किए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद अंडरलाइन भी कीजिए और उसे कट कर लीजिए, ठीक है। अपने पास इनवाला रखिए, पर्टिकुलर पॉलिटी से संबंधित इनवाला अलग, इकोनॉमी से अलग, ज्योग्राफी से अलग, साइंस एंड टेक्स से अलग, जिससे संबंधित न्यूज हो उस इनअप में आप पिनअप कर दीजिए, ठीक है। देखिए आज का न्यूज़पेपर है, जरूरत कब पड़ेगी इसकी, एग्जाम के कुछ समय पहले, है ना। अब आज आपने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने इसको क्या किया, साइड में रख दिया, फेंक दिया, खराब हो गया। क्यों ना हम इससे इंपॉर्टेंट चीज लें और उसको अपने कैटेगरी एक फाइल पे लगा लें, बाकी पूरे न्यूज़पेपर को आप रद्दी के भाव भेज दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। हमें क्या करना है, एग्जाम से कुछ समय पहले उस न्यूज़पेपर को बाकायदा एक बार रिवाइज करके जाना है, जो न्यूज हमने पढ़ी। मान लीजिए कि मेंस का पेपर है, आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होना है, तो मैं क्यों ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला इनवॉल्व निकालूंगा और उस पूरे इनवॉल्व को एक बार रिवाइज करूंगा, क्या साल भर की न्यूज रही है, और ये काम साल भर करना है, और इसके बाद आराम से पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद नेक्स्ट दिन का पेपर देने जाऊंगा। तो इनवॉल्व पे कैटेगरी फाइज भी रहेगा तो आपका काम बहुत आसान रहेगा, है ना। वहां पे आप उलझ नहीं पाएंगे किस दिन का क्या पढ़ना है, इसलिए उस दिन की न्यूज को आप कट करें, कट करने के बाद अपने इनवॉल्व पे रख लें, बाकी आपका काम समाप्त, ठीक है। राष्ट्रीय संस्करण का काम हम कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं रहूंगा या अदर फैकल्टी जो भी आएगी इस बैच में हम लोग करवाएंगे काम, ठीक है।
और इसका वीडियो जो है फर्स्ट बेंच में भी भेज दिया जाएगा, तो वो भी इसका चीजें देख लेगा। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर पे काम करना जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उस पर टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कैसे पढ़ना ये ज्यादा जरूरी है जानना। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसको आप जब करेंगे तो आप भी पाएंगे कि आपको समय भी कम लग रहा है, कम समय में आप ज्यादा चीजें ऑब्जर्व भी कर रहे हो, है ना। और एक जो होता है ना क्वालिटी बेस्ड स्टडी, वही कर रहे हो। संडे के दिन पूरा करंट अफेयर्स के लिए छोड़ दो, उसी दिन मैगजीन पढ़ो आराम से बैठ के। 3 से 4 घंटे इसमें लगेगा, 7 दिन के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। उसी दिन कट करके अपना पूरा फाइल बना लिया, और मैगजीन्स होती है मैगजीन्स पढ़ लिया, कुछ अदर आपको करंट इशू पढ़ने हैं उनको पढ़ लिया, ठीक है। आप पाओगे कि बहुत ही बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है। डेली 2 घंटे 3 घंटे खराब करना मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण आपका निर्णय होगा। डेली 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर में नहीं लगाना, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्यों ना आज के न्यूज़पेपर को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आज कौन कौन सा न्यूज़पेपर है। आप अपने हिसाब से न्यूज़पेपर यहाँ पे लेकर आए, नहीं लेकर आना है आपको तो आप अपने मोबाइल में, यदि आप टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर भेजा जाएगा। इसमें काम ये करें आप, एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का नाम मैं बता देता हूँ, पीडीएफ रीडर के लिए, ठीक है, जोडो पीडीएफ रीडर। इस पीडीएफ रीडर को आप ले अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। उससे इंस्टॉल करने के बाद आप फाइल को खोलेंगे तो जो चीजें मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है तो उससे आप टिक कर पाएंगे, उसको हाईलाइट कर पाएंगे। उसमें ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का, तो आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है आज की न्यूज को हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो ये फ्रंट पेज है, पेज नंबर 1, इसमें समलैंगिक संबंध अपराध माने जाए या नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक इसको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित लिख लीजिएगा, न्यायपालिका का है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हेलीकॉप्टर घोटाले में इतावली कंपनी के अधिकारी बरी हो गए, ठीक है। इटली से ये कुछ सौदा किया गया था, उससे संबंधित न्यूज है, ठीक है। 3600 करोड़ के सौदे हुआ था इसमें, और इसमें कुछ अदालत को सबूत नहीं मिले घोषखोरी के, ठीक है। अगस्ता बिस्लैंड जो हेलीकॉप्टर था उसकी खरीद से मामला था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जो है जरूर अपने, इसको आप करप्शन से संबंधित मुद्दा डाल सकते हैं, भ्रष्टाचार से, इथिक्स जोड़ सकते हैं इसको, और भारतीय राज्य व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मामला होगा, किस तरीके से हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है कार्यपालिका, ठीक है, उसमें किस तरीके की इस तरीके के मामले आते हैं, उसको आप जोड़ लें। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट लास्ट यहां पर जो मध्य प्रदेश सरकार की न्यूज है उसको डाल लें। यह है आपका संसद विधायकों को भी करनी पड़ेगी माता पिता की सेवा, ठीक है, पेज नंबर 1 में ही है ये। मध्य प्रदेश में लोक सेवकों को भरण पोषण कानून के दायरे में लाने पर विचार किया गया है, ठीक है। मोदी जी ने भी कुछ चीजें अभी यहाँ पर कही है। फ्रंट पेज पे एक छोटी सी खबर है कि साइबर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई और मैंने आपको बताया कि साइबर सुरक्षा की भारत में क्या स्थिति है ना। तो अब जो है भारत सरकार जो है इस महत्व को समझ रही है और साइबर सुरक्षा पर विशेष बल दे रही है। अभी देखिएगा आने वाले समय में 1-2 दिन के न्यूज पेपर में आप साइबर सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल देखने को पाएंगे, है ना। तो आप इसको जरूर आप ध्यान दें, साइबर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, ठीक है। इसके बाद सर ये जोडो है जोडो, पेज नंबर 2 पे आ जाए। पेज नंबर 2 पे सिटी न्यूज है, कोई खास महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको ये बहुत यूपीएससी के लेवल का नहीं है, ठीक है। जो यूपीएससी में नहीं आएगा उस पर हम नहीं जाएंगे चर्चा करेंगे, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मेट्रो कार्ड से बस में सफर करने से संबंधित ये न्यूज है, ठीक है। तो ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको रहने दें। हाँ, इम्पोर्टेंट एक राज्यसभा चुनाव हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, और आप राज्यसभा चुनाव में आपके 3 उम्मीदवार ये निर्विरोध ऐसे कुछ लेकर के खबर आई है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे रहने दें, ये भी महत्वपूर्ण है। बस ये आप
समझ के रखें कि अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के कुछ चुनाव हुए हैं, ये जानकारी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक पेज नंबर 2 पे ही देखिए, देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये है अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, संसदीय समिति नाराज। संसदीय समिति बनी थी, ठीक है, और संसदीय समिति ने इससे संबंधित मुद्दे का जायजा लिया था, उससे संबंधित ये न्यूज है पेज नंबर 2 में, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। राजधानी यानी दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, उससे संबंधित ही उन्होंने, तो कहीं भी स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा आता है, स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे लिखने को आता है, तो क्यों ना इस बात को हम उजागर करें, और संसदीय समिति के द्वारा ये बात कही गई है। आप थोड़ा सा इन सब चीजों को, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको जरूर उजागर करें, ठीक है, कि संसदीय समिति के द्वारा भारत में जो केंद्र सरकार के बड़े अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की संख्या में कमी होने का जायजा पता किया गया है। तो आप समझ सकते हैं जब बड़े अस्पतालों में स्थिति है तो छोटे अस्पतालों में क्या स्थिति होगी। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पेज नंबर 3, ये राजनीति से संबंधित है, है ना, तो राजनीति से संबंधित टॉपिक को हम लोग नहीं छूते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है, हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने की योजना को सऊदी अरब में मंजूरी मिली है। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री इस समय कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, उन्हीं के मंत्रालय द्वारा ये योजना जो है इस पे कार्य हुआ है, तो उससे संबंधित ये छोटी सी न्यूज है, इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल सीमा पर चीन से विवाद सुलझा, ये IR का टॉपिक है, भारत चीन संबंधों से संबंधित है, इस टॉपिक को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा है, निजता के अधिकार से संबंधित, ठीक है, पेज नंबर 3 में ही है। आधार डाटा लीक मामले पर केंद्र सरकार ने कहा प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको, इस मामले को भी ले लीजिए, ठीक है। रविशंकर प्रसाद जी हैं हमारे इस समय इस मंत्रालय में, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 4, ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स रेट है, पॉलिटिक्स पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना, जो भी पॉलिटिक्स वादे हो, पॉलिटिक्स चीजें हो। हाँ, एक छोटी सी न्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में अगले सत्र से NCERT पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए रहिए, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, हर चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि एक बदलाव, अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक चल रही थी, और ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है। जब कभी शिक्षा से संबंधित कोई आंसर राइटिंग में आता है तो आप इन चीजों का उल्लेख कर सकते हैं कि जो NCERT की पुस्तकें हैं अपने आप में सर्वोच्च मानकों को निर्धारित करती हैं, है ना, तो उससे संबंधित ये एक मुद्दा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे एक मुद्दा, देखिए जब भी कोई राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय का कोई कमेंट आए किसी भी पॉइंट पे, तो उसको जरूर पढ़ना है। एक दफे मुख्यमंत्री जी को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी सरकार के ही पर्सन है ना, सरकार के मुखिया होते हैं, तो उनकी भी बातों को देखना है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई राजनीतिक वक्तव्य दिया जाता है तो उससे मतलब नहीं रखना। यहाँ पे देखिए, अब शुरू होंगी 20,000 मुकदमों की वापसी, ये एक तरीके से बात हो रही है। राज्यपाल ने कुछ विधेयकों को मंजूरी दी है, ठीक है, उन विधेयकों में इस तरीके के कुछ मामले, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मुद्दा है, ठीक है। इसमें एक आपका विधि है उत्तर प्रदेश दंड विधि, अपराधों का समन, विचारणों का उपशमन संशोधन 2017, इस तरीके के 8 विधेयक इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। इसमें आप भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो स्टेट है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, पेज नंबर 5, ये नेशन न्यूज से संबंधित है, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पेज है।
रेलवे के साथ एक नया प्रोग्राम रेल ने चालू किया है, ड्रोन के सहारे रेलवे करेगा परियोजनाओं की निगरानी, तो ये भी एक पहल है। ठीक है, रेलवे में सुधार से संबंधित यदि कोई, और यदि आपसे कोई सुझाव मांगा जा सकता है तो इस तरीके के सुझाव दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा है, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। अब ये रोक क्या है, तंबाकू उत्पादों पर छपती रहेगी 85% सचित्र चेतावनी। तो जो तंबाकू उत्पाद बनते हैं उनके पीछे आप देखते हैं कि कैंसर से बना हुआ एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है ना। तो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो तंबाकू से बने उत्पाद हैं उनमें 85% से ज़्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे संबंधित ये न्यूज़ है, इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट ही समझिए। ये सब सोशल वर्क से संबंधित भी इशू है। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद जी का, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनसे संबंधित एक यहाँ पे मुद्दा है, हर दिव्यांग के पास विशेष प्रतिभा। ठीक है, तो दिव्यांग का मतलब जो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि स्पेशली वो अनेबल जो होते हैं ना बहुत सारे लोग, तो कुछ उनसे संबंधित यहाँ पे चित्रकूट में एक जगह है। ठीक है, वहां पर चित्रकूट में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय है, जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, उसके दीक्षा समारोह पे उन्होंने वक्तव्य दिया। तो कभी दिव्यांग से संबंधित कोई पहलू आता है तो आप इन चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, चंद लाइनें इनसे उठा सकते हैं। तो हाँ, इसके बाद अभी कोई यहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 6 में जाइए, पेज नंबर 6 में भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। आप यहां से मूव करके पेज नंबर 7 में जाएं, पेज नंबर 7 में एक निधन हुआ है, वो है भाषा आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर बलदेव, है ना, बलदेव बंसी जी का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है पीसीएस वगैरह में कि बलदेव बंसी किससे जुड़े हैं। तो कोई जो विशेष व्यक्ति कभी उनका निधन होता है तो उससे संबंधित भी आपको पता करना है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर जाएं आप, हाँ अब आ गया है संपादकीय पेज। संपादकीय पेज में जब भी कोई संपादकीय हमें पढ़ना है तो सबसे पहले देखना है कि राइटर कौन है। अब यहाँ पे बलबीर पुंज जी का है, बलबीर पुंज जी विधान परिषद के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, है ना, तो ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कहा है दलितों के बहाने विभाजनकारी राजनीति, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये बीजेपी के आदमी हैं। ठीक है, ये पॉलिटिक इनका जो पूरा व्यू ऑफ पॉइंट होगा तो कहीं ना कहीं पर ये किस तरीके की विचारधारा थोप रहे होंगे, तो थोड़ा सा हमें देखना है कि जो भी व्यक्ति लिख रहा है वो किस मेंटेलिटी का पर्सन है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है ना, वो अपनी पॉलिटिक्स की रोटी यहाँ पर सेकेगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होकर इसे पढ़ना है, इनका पक्ष जानना है लेकिन इनके पक्ष में सहमति नहीं प्रकट करनी है। ठीक है, इनका व्यू पॉइंट आप जान लीजिए संपादकीय से, फिर इसका क्रिटिक जो है आपको द हिंदू में मिल सकता है, या फिर अपना खुद का भी आप क्रिटिकल व्यू पॉइंट जरूर बना के रखें। तो पहला ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़ लें। अभी हाल फिलहाल में कुछ दलितों से संबंधित मुद्दा हुआ था। ठीक है, प्रवासी भारतीयों से संबंधित दूसरा आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे नहीं पढ़ना। अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट इसमें कह सकते हैं विचारधारा विहीन आंदोलन की नियत, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पर्सन है। और देखिए हमेशा जो पेज नंबर 8 होता है उसमें कुछ प्रबुद्ध लोगों के ही आर्टिकल छपते हैं, पेज नंबर 9 में जो आम पर्सन होते हैं, जो अभी इमर्जिंग पर्सन होते हैं उनके आर्टिकल छपते हैं। ठीक है, तो जो पेज नंबर 8 होगा उसका पहला आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत विशेष व्यक्ति का आर्टिकल होता है। तो 9 का आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गया पेज नंबर 10, बिजनेस न्यूज। ठीक है, बिजनेस न्यूज के लिए तो एक न्यूज़पेपर हिंदी वाला है, वो है इकोनॉमिक्स टाइम्स,
है ना, काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक होते हैं, लेकिन अच्छे टॉपिक होते हैं। यदि आपको इकोनॉमी अच्छी करना है, इकोनॉमी के बहुत अच्छे अच्छे आपको जिस्ट पॉइंट चाहिए, तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर नहीं है वो, सप्ताह में 5 दिन आता है ना। तो यहाँ पर बिजनेस से संबंधित आपका सबसे पहला है, निर्यात बढ़ाने वाले राज्यों को मिल सकता है इंसेंटिव, ठीक है। केंद्र ने रखा राज्यों के समक्ष प्रस्ताव, मांगे सुझाव, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए, भारत के राजकोषीय घाटे और जो करंट अकाउंट है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, उससे संबंधित ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है। इसके अलावा जीएसटी के क्रियान्वयन का जायजा, केंद्र व राज्यों के अधिकारी, ठीक है। जीएसटी संबंधित मुद्दा भी, जीएसटी काफी इस बार तो क्या लगातार अभी 3-4 साल जीएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जीएसटी संबंधित जो भी न्यूज हो अभी उसका, क्योंकि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया जीएसटी का, है ना। अभी बहुत सारी चीजें उसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप है, जो पहली बार लागू हुई है, है ना। तो अभी वो एक तरीके से प्रयोग के दौर से गुजर रहा है भारत में, तो जीएसटी संबंधित हर एक न्यूज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कच्चा तेल और राजकोषीय घाटे को जोड़ा गया है, एक नीचे आप देखेंगे एक चैलेंज करके ये टॉपिक दिया है, कच्चा तेल बिगाड़ सकता है राजकोषीय गणित, तो थोड़ा सा इसको आप जानें कि किस तरीके से जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है, कच्चा तेल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनका रोल है हमारे यहाँ आयात करने का, सर्वाधिक आयात हम पेट्रोलियम का ही करते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद 11 पेज नंबर 11 इंटरनेशनल से संबंधित है, यहाँ पर आतंकवाद पर चीन खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ, ठीक है, इसको ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आईआर की अभी क्लासेस आप पढ़ेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। क्लास इसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 12 खेल न्यूज से संबंधित है, क्रिकेट की न्यूज को ज्यादा महत्व ना दें, ठीक है। जिस दिन फाइनल कोई सीरीज हो जाए उसमें मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, ये सब चीजें बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कोई फाइनल सीरीज हो, आईपीएल मैच हो, इस तरीके के मैच वगैरह पूछे जाते हैं। पीसीएस ने 2-4 बार इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, लेकिन पता होता है, आमतौर पर हम क्रिकेट के प्रति इतने जागरूक है कि हमें चीजें पता है। हाँ, ये है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो उन्हें जाने आप। पेज नंबर 13 पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है, ठीक है, इससे संबंधित बस थोड़ा सा जानकारी रखें, बाकी और कुछ नहीं। यह सरदार पटेल से संबंधित है, ये पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे बहुत अच्छी पहल है, हिमाचल प्रदेश में सरकार मनरेगा की मदद से फैलाएगी चंदन की खुशबू, है ना। मनरेगा को किस तरीके से हम, मनरेगा क्या है, वहाँ पे अनस्किल्ड रोजगार मिलता है हमें, तो मनरेगा के तहत से किस तरीके से हम उसे अन्य क्षेत्रों पे भी उसको जोड़ सकते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 14 लास्ट पेज है ये, यहाँ पर साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं। रोबोटिक्स एक आपका पूरा टॉपिक है साइंस एंड टेक में, तो पहला ही न्यूज़ है इसमें। अब वातावरण के अनुसार आकार बदल सकेगा रोबोट, तो रोबोटिक्स की जो भी R&D हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उससे संबंधित टॉपिक आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बस इतनी ही न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जितनी न्यूज़ यहाँ से टिक करवाई जाए उन्हें टिक कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, पूरे न्यूज़पेपर को कट कीजिए, इतने टॉपिक फेंक दीजिए, इससे बाहर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आएगा। अब आप क्या करते हो, आप हर एक न्यूज को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ते हो, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए।